शार्क्स, कैसा लगा आपको देख के? वेरी गुड, वेरी गुड। मजा आ गया, बहुत अच्छा चला आप। हमें भी ऐसा ही एड्रेनलिन रश होता था जब हम ये ड्रोन्स अपने कॉलेज में उड़ते हुए देखते थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये ड्रोन्स खुद से बनाएं। तो इसके लिए जब हमने अपनी रिसर्च स्टार्ट की तो आपको यकीन नहीं होगा कि हमने क्या देखा। ये ड्रोन्स इंडिया में मिलती ही नहीं है। Really? ये सारी की सारी ड्रोन्स फॉरेन के हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग इन ड्रोन्स को बाहर से अनऑथराइज तरीके से मंगवाते हैं। शार्क्स, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने ये ड्रोन्स को इंडिया में फ्लाई करना बैन कर दिया है, क्योंकि वो सारे के सारे फॉरेन ड्रोन्स थे। तो अब सिनेमाटोग्राफर्स, यूट्यूबर्स, स्टूडेंट्स, कमर्शियल शूटर्स क्या करेंगे, वो लोग ये ड्रोन्स कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए हम लाए हैं इनसाइड एफपीवी। इनसाइड एफपीवी इंडिया की पहली कंज्यूमर बेस्ड लीडिंग ड्रोन कंपनी है, जो कि प्लग एंड फ्लाई एफपीवी ड्रोन्स बनाती है। मतलब आप बैटरी को प्लग इन कीजिए ड्रोन में और फ्लाई कीजिए, और बाकी का सारा टेक्निकल एस्पेक्ट हम देख लेंगे। तो शार्क्स, हम इनसाइड एफपीवी के माध्यम से ड्रोन्स को इंडिया में पॉकेट फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। हमारे ड्रोन्स वेबसाइट से सिर्फ ₹2,800 पे लिस्टेड है, जो कि इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा। हम अपने कंज्यूमर्स को वन ड्रोन क्रैश वारंटी एंड फ्री कंसल्टेशन बाय एक्सपीरियंस पायलट जैसे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी मिशन जो है वो इनसाइड एफपीवी को नंबर वन ग्लोबल ब्रांड बनाना है, इसलिए शार्क्स हमें आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत है। मैं हूँ ओशी कुमारी। मैं हूँ अर्ज चौधरी। और मैं हूँ देवान भारद्वाज। और हम हैं द फाउंडर्स ऑफ टीम इनसाइड एफपीवी। हम आपसे 75 लाख अगेंस्ट 4% की मांग कर रहे हैं। सो शार्क्स, आप इनसाइड एफपीवी के साथ ये ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी है? नाइस नाइस, बड़ा एंथुजियास्टिक पिच था आपका, एंट्री भी सही थी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अर्थ, ओशी और देवयांत, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। ये आपने कॉलेज में शुरू किया कि कैसे? हम लोग सारे VIT वेलोर इंस्टीट्यूट से आए हैं। लवली। मैं हूँ मैकेनिकल बैकग्राउंड से, अर्थ भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, और देवान इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है। मैं अभी भी 4th ईयर में हूँ और ये लोग अभी 2 दिन पहले ही ग्रेजुएट हुए हैं। वाओ वाओ, क्या बात गाइस। थैंक यू। फैंटास्टिक टू सी अ वुमन इन स्टेम। थैंक यू। कम है हमारे देश में। ये इंडिया की फर्स्ट FPV वुमेन पायलट भी है। ओह वाओ वाओ, क्या बात है। वेल डन ओशी, वेल डन। थैंक यू। तो ये पढ़ाई करते करते आपने ये जो सारे ड्रोन्स हैं ये बना लिया है, बिजनेस खड़ा कर लिया है, तो पढ़ाई कब करते हैं आप लोग? सर, अभी तक तो 2 साल ऑनलाइन था, तो उसमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब पढ़ाई की नहीं? नहीं की। पढ़ाई की नहीं। बट फिर भी वो 9 पॉइंटर है। 9 पॉइंटर क्या होता है? 9 पॉइंटर्स को VIT में ऐसा बेनिफिट्स मिलता है जैसे उनको क्लासेस नहीं जानी पड़ती, उनको हर जगह ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। Oh, she's a genius. तो तुम लोग दोनों ऐसे ही साथ में लग लिए कि ये कुछ बना लेगी, हमारी ये गाड़ी निकल जाएगी। FPV आपने कहा, इसका अर्थ क्या है? फर्स्ट पर्सन व्यू। तो आप यहाँ ही बैठकर आप अपने ट्रांसमीटर या रिमोट से आप अपने गॉगल्स में फीड देखते हो। वो फीड हम लोग जब देखते हैं वो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर भी हम लोग घूम सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो गॉगल्स कहाँ हैं? कुछ देख सकता हूँ मैं? Yes. मैं आऊँ यहाँ पे? Definitely. भाई मेरे पास मत आना। नहीं, तेरे पास ही आया ना। Hi, Aman. ऐसा है? Yeah, but I can see these guys very clearly. Good job, यार. बहुत crazy है, बहुत difficult है. ये है 2800 वाले। ये बच्चे भी उड़ा सकते हैं। ये दिख रहा है, इनके एंथुसियाज्म देख के लग रहा है बच्चे उड़ा सकते हैं। मेरे को नहीं, अमन के पास लेके जाना है। अबे ऐसी मक्की घूम रही मेरे आस पास। अर्थ, उसे भेज दो यहाँ, नहीं तो इसी में लगा रहेगा। ये जो आपका ड्रोन हमने चलाया वो 2800 का था। हाँ, जो दूसरा वाला है वो कितने का है? ये वाला FPV वाला? वो 25,000। बेसिकली हमारे पास ड्रोन रेंज है 2800, 8,000, 10,000, 15,000। FPV ड्रोन्स का प्राइसेस इसलिए इतने हायर है क्योंकि उसमें आपको गॉगल्स मिलता है, ट्रांसमीटर मिलता है, और ड्रोन मिलता है, और प्लस एक बैटरी मिलती है।
तो अभी इंडिया में कौन सप्लाई कर रहा है ड्रोन्स? We are the first consumer based company. आप पहले ड्रोन मैन्युफैक्चरर नहीं हो, पहली तो बात ये सच है। आप क्या पता पहले 2800 वाले ड्रोन मैन्युफैक्चरर होंगे। ड्रोन वाले बहुत होंगे इंडिया में। अमेज़न पे जाएंगे तो बहुत सारे ड्रोन दिखेंगे अपने को। मैंने भी खरीदे वहीं से ऑब्वियसली। सर कंज्यूमर वाले आप जो ड्रोन देख रहे हो वो DJI के ड्रोन है, पैरट के ड्रोन है, और पैरट इज अ USA ब्रांड, पैरट इज अ फ्रेंच ब्रांड, DJI इज अ चाइनीज ब्रांड। अब दोनों नहीं मिलते, अब बैन हो गए हैं। यस सर। मैंने अभी ड्रोन देखा वहाँ पे नजदीक से, उसमें बैटरी है, वायरिंग है, कंपोनेंट्स हैं, ये पूरा डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग सब आप इंडिया में कर रहे हैं। चाइना, ताइवान, हांगकांग से, तीन जगह से हमारे अलग अलग वेंडर्स हैं, सो हम उनके पास से पार्ट्स लाते हैं और इधर आके वो इंटीग्रेट होता है और उसकी असेंबली पूरी तैयार होती है। तो आपने कहा बाकी बाहर के अलाउड नहीं है, मैं इंडिया में बना रहा हूँ। पार्ट्स तो अलाउड होंगे, ड्रोन्स नहीं अलाउड होते इंडिया में। अभी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आप नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा कैपेक्स रिक्वायर्ड है। अभी इतना में स्केल भी नहीं है कि इंडिया में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए। एग्जैक्टली, अभी ये बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री है। करेक्ट। अभी ये स्केल की बात कर रहे हैं तो 18.75 वैल्यूएशन आप लेके आए हैं यहाँ, तो आपका रेवेन्यू क्या है लास्ट ईयर का और लास्ट मंथ का? सो हमारा जो लास्ट मंथ का रेवेन्यू इट्स 13 लाख रुपीज। क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन। मुझे तो और कम लग रहा था, माय एक्सपेक्टेशन वाज लोअर, बट मैं काफी इंप्रेस्ड। और लास्ट ईयर इट वाज 85 लाख रुपीज, और जो अप्रैल से लेके अभी तक का हमारा ऑलरेडी 44 लाख रुपीज हो गया है, एंड वी आर लुकिंग टू क्लोज इट एट 4 करोड़ रुपीज, बिकॉज हमारा जो VIT है चेन्नई, दे आर सेटिंग अ ड्रोन लैब फॉर द स्टूडेंट्स, सो फॉर देम वी आर गिविंग ऑल अवर ड्रोन्स एंड इक्विपमेंट्स टू देम। सेकेंडली, जो VIT वेल्लोर है वो हमसे 2 एग्रीकल्चर ड्रोन्स भी खरीदने वाले हैं, where one drone will be costing 8 lakh rupees. अच्छा भाई ओशी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपका equity split कैसे है और हर एक के roles और responsibilities क्या है, और main 13 lakh split B2B B2C, ताकि मुझे आपके vision के लिए थोड़ी clarity आए। हम लोग का जो equity split है वो अभी equal है। मैम अर्थ है CEO, मैं हूँ COO और देवांत है CTO। जो 13 lakhs है वो हम लोग का ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 40% इज हमारा प्लग एंड फ्लाई FPV ड्रोन्स और बाकी का जो 60% है वो स्पेयर पार्ट्स है। ओके। थर्ड क्वेश्चन जो आपने बताया B2B और B2C के लिए, 0 sales इन B2B, B2C में इट्स कम्प्लीटली 13 lakh रुपीज। ओके। आपका बेचते हो 2500 में, इसके मेरे को पीछे पूरा नीचे तक बताओगे 2500 का बेचते हो, कितना GST है, कितना सेल है, कितने का पड़ता है, क्या प्राइस पड़ता है, आपको कितना बचता है? सो आपने जो 2700 का बी ड्रोन है उसको हमारा 14-15 प्लस 18% GST, 1450 प्लस 18% GST पे हम लोग की खरीदी होती है वो, और 2700 रुपीज इंक्लूडिंग GST में हम सेल करते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन करीब टू भी 30-35% बनता है। तो 1000 रुपये बचता है, 1000 रुपया बचता है, 1000 रुपया वो हमारा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। अभी आगे चल के आप सिर्फ ये ड्रोन्स का हार्डवेयर बनाओगे, इसका सॉफ्टवेयर बनाओगे या सर्विसेज भी प्रोवाइड करोगे साथ में? हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शुरू करेंगे, वी आर नॉट गोइंग इनटू द सर्विस सेक्टर। हम लोग अभी तक जो वर्क कर रहे थे वो हार्डवेयर पे वर्क कर रहे थे, जैसे जैसे आगे कंपनी ग्रो होगी वैसे वैसे हम चाहते हैं कि हमारा पूरा एक इकोसिस्टम बन जाए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। आपको कोई भी रिमोट कार कंपनी की ब्रांड के बारे में पता है? एनी कंपनी दैट्स बिकम बिग इन द वर्ल्ड? नो, नहीं, क्योंकि वो सब कमोडिटाइज हो गए। कंज्यूमर हार्डवेयर एप्लीकेशंस फॉर ड्रोन्स विल बी कंप्लीटली कमोडिटाइज्ड। आप कह रहे हैं रेगुलेशन के कारण आप सिर्फ अकेले हो, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर देयर आर हंड्रेड्स, और जो सर्विसेज स्पेस है वो काफी बड़ी कंपनीज कर रही हैं ऑलरेडी, तो मुझे लगता है ये बहुत कंपेटिटिव होने वाला है स्पेस। फॉर दीज रीजंस आई एम आउट, आई विश यू द बेस्ट। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। इसमें हमने खुद ने क्या क्रिएट किया, हमने बस आके पार्ट जोड़े हैं या फिर हमने कुछ प्रोग्राम लिखा है या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है जिसकी वजह से हम डिफरेंट है? बेसिकली द असेंबली ऑफ द ड्रोन, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उस पे कई लाइंस की काफी कोडिंग की जरूरत होती है। उसी के बारे में जानना चाह रहा हूँ, आपको कोडिंग क्या करनी पड़ी इसके ऊपर? हाँ, उसमें एक फ्लाइट कंट्रोलर होता है ड्रोन में, जो कि ब्रेन है ड्रोन का बेसिकली,
तो वो जो फ्लाइट कंट्रोलर है उस पर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। हम लोग अभी डिजाइंस, न्यू स्ट्रक्चर्स जो हैं, हम लोग खुद के ला रहे हैं और उसके पेटेंटिंग हम लोग एक साल के अंदर ही कर देंगे। कोई मिला आपको आज तक पेटेंट? नहीं सर, अभी तो ये 2 years old कंपनी है, बट हमारे फंडिंग होने के बाद हम लोग अब डिजाइनिंग पेटेंट। फंडिंग होने के बाद मतलब आपकी फंडिंग हुई हुई है? यस, सो हम लोग ने 25 lakhs रुपीज रेज करे है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 12.5 crores एंड ऑल्सो वी हैव रिसीव 10 lakh रुपीज ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निधि प्रयास VITTPI। आप बेचते हैं कहाँ पर अभी ये सारी जो सेल्स है आपकी, कहाँ पर हो रही? ये सब कुछ हमारे वेबसाइट द्वारा ही की जाती है। आपकी वेबसाइट पे लोग आते कैसे? एवरीथिंग व्हाट वी हैव डन इन दिस 2 years इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग विच इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। वी हैवंट स्पेंड अ सिंगल अमाउंट ऑफ मनी। वाओ, दैट्स हाउ वी आर ग्रोइंग एंड नाउ वी आर अ यंग प्रॉफिटेबल स्टार्टअप। जो मेरे को समझ में आया है, अभी ये टू अर्ली है, पर आप लोग बड़े जबरदस्त हो, लग रहा है कि आप बेटेबल हो, तो 50 lakh हम आपको इक्विटी देंगे, 25 lakh में, 25 lakh हमन, 25 lakh डेट देंगे, वो भी 12.5 lakh हमन, 12.5 lakh में, और 50 lakh हम आपको जो है 20% इक्विटी लेंगे। That's it. And इसका रीजन ये है कि ये टोटली आप लोगों पे बैठे है। What is your interest rate on the loan? इंटरेस्ट नहीं यार लोन पे, आपको पैसे चाहिए, मेरे को कोई पैसे नहीं चाहिए 25 lakh पे। आखिरी सवाल मेरा, अभी तक सब क्या ऑफर बन रहा है? अभी मैं ऑफर देने के पहले आप सवाल पूछना अलाउड होता है? या तो पूछ सकते हैं आराम से। आपने बोला कि हमने जितनी भी सेल करी उसमें मार्केटिंग का 1 rupee भी खर्च नहीं किया, सारा वेबसाइट के थ्रू बेचा, जबकि तो मैं आपका राज जानना चाहूंगा, सारा ऑर्गेनिक जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है आपके पास? हमारे वेबसाइट पे एक ब्लॉग सेक्शन है, हमारे पास फर्स्ट डे से कंटेंट राइटर्स है जो हमारा कंटेंट लिखते हैं एंड दे पोस्ट इट। तो आपने पहले बताना चाहिए था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक्चुअली ये लोग देखना चाहते हैं आपने क्या किया है, हम ये देखना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, यही डिफरेंस है। नमिता जी से एक बार बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आके ऑफर देते हैं आपको। अमित पक्का ना? सवाल नहीं है, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे। अनुपम हो सकते हैं 1-2 सवाल और आ जाए। गुड, हम आपको ऑफर देना चाहेंगे 75 lakh, नो लोन वोन, आप कहाँ लोन के चक्रों में बढ़ रहे हो, एज स्टूडेंट कहाँ से वापस हो गए, स्टूडेंट लोन ही मार देता अपने को। तो अपन लोग बिना लोन के चलते हैं, 75 lakh इक्विटी ऑफर है और मैं और नमिता आधा आधा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको 15% में कर रहे हैं, यानी कि केवल 5 crore की वैल्यूएशन। आप इनको 2.5 crore की लगाई, मेरे को विश्वास है कि आप बहुत बड़ा काम करोगे, तो हमारी तरफ से ये ऑफर। We would like to do a counter offer. बताइए। 75 lakhs for 5% of the equity. हम चाहेंगे कि आप 4 sharks एक साथ मिलकर ये ऊंची उड़ान भरे। We'll make sure कि आप कभी regret नहीं करोगे ये offer ये company में डाल के। 5% पे तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा। हम match कर सकते हैं 75 lakh 15% जो उनका offer है से। हम लोग फाइनल ऑफर कर देते हैं आपकी थोड़े, क्योंकि आप इतना चाहते हैं कुछ चेंज हो, तो 75 lakh पे 12% हो गया फाइनल ऑफर। 6.25 crore वैल्यूएशन, हमने बेटर वैल्यूएशन दिया है। ऑल टुगेदर वी कैन डू इट एट 12%। लेट्स डू इट ऑल फॉर 12%। नहीं पीयूष मना कर चुका है। प्लीज 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 पीयूष प्लीज बताइए क्या अच्छे बोल रहे हैं। तो हम 4 shark आने को तैयार हैं, पर 15% लेंगे 75 lakh 75 lakhs के लिए। आंसर यस और नो? डील डन sharks। तो मैं मेरा चेक इंडिया की फर्स्ट FPV वुमेन पायलट। थैंक यू मैम, वेल डन। लव इट। थैंक यू। थैंक यू। मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ये लीजिए, पकड़िए। ऑल द बेस्ट। गुड लक।